नमस्कार, डिवाइन लिविंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं मीतू फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नई रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। चलिए शुरू करते हैं। कुछ रूहानी गीत ऐसे होते हैं जो दिल को बड़ा सुकून देते हैं, जिन्हें हम बार बार सुनते हैं या गुनगुनाते हैं। लेकिन उन गीतों में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका अर्थ हमें मालूम नहीं होता। ऐसा ही एक गीत है कुन फाया कुन। 2011 में आई रणबीर कपूर की फिल्म रॉक स्टार के सारे गाने सुपर डुपर हिट रहे थे, लेकिन इसमें एक रूहानी कव्वाली है कुन फाया कुन, जिसे आज भी सुनते हैं तो दिल को बड़ा सुकून मिलता है। इस गीत को इरशाद कामिल ने लिखा है और AR रहमान ने इसमें अपने संगीत से जादू भर दिया है। रूहानी संगीत रचने में AR रहमान का कोई सानी नहीं है। इरशाद कामिल के शब्दों को मोहित चौहान के साथ जावेद अली और रहमान ने खुद आवाज़ दी है। रूह को सुकून देने वाली ये सूफी कव्वाली हज़रत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर गाई गई थी। इस कव्वाली में कुछ शब्द हैं जिनका मतलब ज़्यादा लोग नहीं जानते। यह शब्द अरबी भाषा से लिए गए हैं। इन शब्दों का जिक्र कुरान में भी किया गया है। तो आइए जानते हैं उन मुश्किल शब्दों के आसान मतलब। सबसे पहले कुन फाया कुन, इसका शाब्दिक अर्थ होता है अल्लाह ताला जब किसी काम को करना चाहते हैं तो कह देते हैं कुन, यानी हो जा, और वह फाया कुन यानी हो जाता है। से यही समझ में आता है कि कुन फाया कुन दुनिया के बनने से जुड़ा है। गाने की एक पंक्ति भी है, जब कहीं पे कुछ भी नहीं था वहीं था वहीं था। इसका मतलब है जब कुछ नहीं था तब भी खुदा था, और जब कुछ नहीं होगा तब भी खुदा होगा। इस गाने में एक शब्द रंगरेजा का भी इस्तेमाल हुआ है। वैसे तो रंगरेजा उसे कहते हैं जो कपड़े रंगने का काम करता है, मगर यहाँ इस शब्द का प्रयोग करने का भाव यह है जो मुझे अपने ही रंग में रंग लेता है। इस गीत की दो पंक्ति, सजरा सवेरा मेरे तन भर से, कजरा अंधेरा तेरी जलती लो, इन पंक्तियों का भाव है तेरा आशीर्वाद मुझ पर है और तेरी जलती लो मेरे अंदर से सारी बुराइयों को ख़त्म कर देती है। आप सब भी इस रूहानी गीत को सुनिए और महसूस कीजिए, आपको एक अलग ही सुकून मिलेगा। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया, और इस गाने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में।